हेलो दोस्तों, कैसे सब? उम्मीद करते सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसे सब रिलेवेंट रहते हैं, तो आप लास्ट टॉपिक्स को रिवाइज करें, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग है हर टॉपिक को अपने अंदर लेके चल रहा है। ठीक है, अब बात चली ट्रांसमिशन मीडिया की। देखो, ट्रांसमिशन मीडिया हमने जब वैसे मॉडल की 7 लेयर पढ़ी थी, उनमें एक लेयर थी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। तो ट्रांसमिशन मीडिया कहाँ लाई कर रहा है अभी? फिजिकल लेयर पे। ठीक है, ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफ़र करना इस चीज़ को। ठीक है, आप सिस्टम 1 और सिस्टम 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डाटा क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। किस मीडियम से ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या हो गया आपका? ट्रांसमिशन मीडिया। तो क्या हुआ, ये जो आपका सिग्नल्स लेके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंडर से रिसीवर के साथ पास जा रहा है वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। अब बात आती है ये कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के हम टाइप्स की बात करें तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन सा? गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को हम बोल देते हैं वायर्ड, और उसको हम बोलते हैं वायरलेस। ठीक है, तो वायर्ड कौन से होते हैं और वायरलेस कौन से होते हैं? देखो, वायर्ड का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है, जो टेंजिबल है, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसे हम टच कर सके हैं। और वायरलेस जिसे हम टच नहीं कर सकते, और रेज पे काम करता है। ये काम किस पे करता है? एयर। ठीक है, ये किस में काम करेगा? सॉलिड। क्लियर है? तो अनगाइडेड के फिर फर्दर हम उसको क्लासीफाइड किया, तो उसके 3 टाइप्स हमने यहाँ लिए। कौन कौन से? ट्विस्ट पेयर, कोएक्सियल और फाइबर। अनगाइडेड के हमने लिए रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड वेव्स। ट्विस्ट पेयर के फिर 2 फर्दर पार्ट है, अनशील्डेड और शील्डेड। अब इन हर टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों के लिए आप देखते रहिए चैनल्स की वीडियोस को, आगे पढ़ें। पहले हम सॉल्व करते हैं, या पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ट्विस्ट पेयर को। ठीक है, देखो अभी यहाँ मैंने ऊपर मैंशन किया है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली अपीयर्स है। यह क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर में थ्रो केबल्स। ठीक है, अब ट्विस्ट पेयर क्या होगी? हमारी केबल है। तो ट्विस्ट पेयर यानी पहले तो इसको तोड़ो, केबल वायर से हम समझ सकते हैं, पेयर यानी जोड़ा, ट्विस्ट जिसका हमने ट्विस्ट किया हुआ है, यानी इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा कि जो नॉर्मली हम कंसिस्ट करते हैं 4 पेयर ऑफ केबल्स वायर्स को। ठीक है, ये जो आपकी होती है कॉपर की बनी होती है, और जो उनके ऊपर बाहर जो शील्ड होती है वो आपके इंसुलेशन की होती है। इंसुलेशन क्या होता है? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। कंडक्टर क्या होते हैं? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। तो जो इंटरनल पार्ट होता है, जो केबल्स होते हैं, अभी कॉपर की होती है, कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर है। फिर इंसुलेशन की बात करें तो ऊपर हमारे इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है, उसे जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेशन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। तो जो आपका आउटर मटेरियल होता है वो तो आपका इंसुलेशन के लिए, इनर मटेरियल आपका कॉपर का बना होता है। इसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्मॉल लेंथ के लिए। अब इसके 2 टाइप होते हैं, कौन से? STP और UDP। STP की फुल फॉर्म शील्ड, ट्विस्ट पे शील्ड, यानी हमने एक एक्स्ट्रा कोटिंग और कर दी। वो एक्स्ट्रा कोटिंग कहाँ की? देखो, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मेटल फॉर बिटवीन ट्विस्ट पेयर वायर्स एंड आउटर कवरिंग। जो ट्विस्ट पेयर वायर्स थी जो ट्विस्ट करे थे ऐसे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग कर दी थी। ठीक है, ये आपकी ट्विस्ट क्या हो गई? शील्डेड। यहाँ पे हमने शील्ड बना दी एक्स्ट्रा लेयर की। फिर ये होती कॉस्टली। अब देखो, कुछ चीज़ को हम एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करें वो थोड़ा कॉस्टली तो होगा ही। फिर आता है UDP अनशील्डेड, ये भी आपके शॉर्ट लेंथ के लिए होते हैं। इसका नॉर्मल होते कैट केबल और RJ45। ठीक है, अब देखो जो कैट केबल 9.5 की बात करें, हम यूज़ करते हैं हम लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दिखाई जहाँ पे इन केबल्स का डायग्राम दिखाया गया है। देखो, इस डायग्राम में हम देखते हैं जो इनर पार्ट है किसका बना हुआ है? कॉपर का। जो हम इस पर आउटर पार्ट से जो कवरिंग की जाती है वो की जाती है इंसुलेशन की। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट, हमारी कौन सी केबल थी? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भी क्या है? कॉपर की बनी होती है। ठीक है, लेकिन बेटर होती है किससे? ट्विस्ट पेयर से। डायग्राम में देखो, ये जो इंटरनल सेंट्रल है जिसे हम इनर वायर कहते हैं, वो भी आपको बनी होती है अपनी कॉपर की। ठीक है,
फिर उसके ऊपर लगा हुआ है इंसुलेशन। इंसुलेशन किस लिए किया हुआ है? ताकि इंसुलेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। और कॉपर हमारा कंडक्टर। फिर दोबारा से हमने इस कॉपर वायर को रैपिंग की हुई है, क्लियर है। ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है आपका जो नॉइज होते हैं, ताकि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सके, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो बना था तो हम यूज़ करते सिर्फ टेलीविजन के लिए। अब हम इसका यूज़ करने हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने ये मेंशन किए हैं, कोएक्सियल केबल के 59 आपका यूज़ होता केबल टेलीविज़न के लिए, 58 होता आपका थिन इंटरनेट के लिए, और 7 और 11 आपका यूज़ होता थिक इंटरनेट्स के लिए, इथरनेट के लिए, ठीक है भाई। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आप ये काम करते टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। ये दो टाइप की होती है आपकी, सिंगल और मल्टी, ठीक है। सिंगल मोड में ऐसा होता है कि जैसे ये है, यहाँ से आपके यहाँ अंदर से डाटा जाएगा एक सिंगल गेज, ठीक है, सिंगल मोड। मल्टी मोड में आपका जाएगा जिग जैग की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसका आउटर जो पार्ट इंसुलेशन जो बना हुआ है, तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो टोटल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, तो इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, ठीक है, नॉइज़ नहीं होती। और जो लाइट जनरेट होती है वो LED के थ्रू आपकी लाइट जनरेट होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कोर पार्ट जो ऑप्टिकल फाइबर कंडक्टर से बना होता है, वो क्लैडिंग होती है जो प्रिवेंट करती है लाइट को स्कैपिंग करने के लिए, और जैकेट आपका आउटर पार्ट होता है जो इंसुलेशन से बना होता है, ठीक है भाई। सॉरी, अनगाइडेड मीडिया जो काम करता है आपका एयर्स में, जहाँ पे कोई भी वायर नहीं है, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन, देखो रेडियो ट्रांसमिशन की बात करते हैं, हमने FM चलाया, क्या हमने उसकी वायर लगाई हुई है कहीं? नहीं, हम तो क्या करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो यही काम यहाँ कर रहा है कि हम उसे, हम इसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन। फ्रिक्वेंसी सेट होती है, और हर जो चीज़ होती है वो एंटीना लगे होते हैं, जहाँ से क्या होती है फ्रिक्वेंसी फॉरवर्ड और रिसीव की जाती है। फिर बात आती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपका हाइयर फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव से, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। अगर आपकी डायरेक्शन कट हो गई तो क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता है। ये एक मेटल को पेंट्रेट नहीं कर सकता, पेंट्रेट का मतलब होता है क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। फिर होता है सैटेलाइट ट्रांसमिशन। सैटेलाइट ट्रांसमिशन आपका क्या होता है, कंबाइन करता है फ्रिक्वेंसीज को, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कंबाइन करके सेंड करता है। फिर सैटेलाइट होती हैं, उन पे सैटेलाइट वो क्या करती हैं, उनको दोबारा रीजनरेट करती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करती है, फिर जो नेक्स्ट डिस्टेंस में वहाँ पे सेंड कर दी जाती हैं। ये आपका एक स्पेशल केस होता है माइक्रो रिले सिस्टम का, क्लियर है। चलो देखो अब इनका जो है डिफरेंस, ये डिफरेंस आप पढ़ लेना, बहुत ही समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं गाइडेड के और अनगाइडेड के। उम्मीद करते हो आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।